और गाइस जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आज आया है यहाँ, क्या आया है? लिट्टी चोखा मंगाया है मैडम ने। कौन सी जगह से मंगाया है? बिहारी सेंट्रल। बिहारी सेंट्रल लाजपत नगर। अच्छा, ऐसे पैक नहीं है। चार लिट्टी चोखा। और अब आपको दिखाया जाएगा गाइस, ये देखिए, ये लिट्टी चोखा शानदार, चार पीस। और ये चोखा, चोखा किसका बनता है? बैगन का, बैगन का भी, आलू का भी, दोनों है इसमें, बैगन और आलू। और ये है हरी चटनी, और ये है शायद तो कड़वी हो रही है। ये देखिए गाइस, तुम्हारी वीडियो बन रही है, देखो। और कैसा लग रहा है आपको? चाय, पनीर, दाल मखनी, सब पी रहा। कितने दिन बाद खाया, खा रहे हो? लिट्टी चोखा। कितने दिन बाद खा रहे हो? बहुत समय हो गया, पता नहीं, अनकाउंटेबल। तो ये तो तुम फिनिश ही कर दोगे लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि बस। चलो खाओ फिर। खाओ। और गाइस ये देखिए, जो है आपको कैसा खाना, कैसा लगता है ये लिट्टी चोखा? मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए तो मंगवाया है। क्या खाने के मुकाबले कहीं नहीं है, हर खाना मिल जाता है, ये नहीं मिल पाता है। और ये लिट्टी किसका बनता है? आटे का अंदर सत्तू रहता है, और इसको दिखाता हूं, गरम भी है। ये देखिए सत्तू की फिलिंग, ये देखिए। सत्तू तो पावरफुल होता है, हेल्थ के लिए सही रहता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और ये, यह चोखा किससे बनता है? बैगन से, बैगन से। और इसको खाते हैं ऐसे, खाइए, आपको एक बार टेस्ट करा जाता है। मैं उल्टा करूँगा, ये लीजिए खाइए, और खा के बताइए इसका टेस्ट। बढ़िया बोल रहे हैं। अब बोलो, बिहारी खाना, बिहारी बोलते हो, कैसा है? अच्छा। क्योंकि मैडम ने बहुत दिन बाद खाया है, उनको जो है बहुत ही पसंद है। कितना कितना लिट्टी खा सकते हो आप एक बारी में? वो डिपेंड करता है कैसे बनी है। यदि अच्छी बनी है तो कितना खा लोगे? 10? है? नहीं यार, 10 तो नहीं खा सकते, फिर 8 खा सकते हैं। 5-6 तो कम ही हुआ यार, डिपेंड करता है मिट्टी के साइज पे। कुछ लोग बोलते हैं बिहारी लेकिन खाते बहुत तेज हैं, कुछ लोग हैं ऐसे। कौन? पता नहीं कौन है वो, उनको पता है उत्तराखंड वाले बिहार का ना। और गाइस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और मैडम जो है कहाँ से है? भोजपुरी से। भोजपुर से? भोजपुरी बनारस से है, मतलब वही भोजपुरी। क्या भैया, जरा भोजपुरी में बोल के दिखाओ जरा। का बोली, खाए दा फटाफट, लपेटे दा। और एक बार लपेटे दा फटाफट, ओकरे बाद बात करा। चला कल अपना कैमरा मैन लेके।